अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो गई है, खून की कमी की वजह से रंगत पीली हो गई है और आप जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं तो आप चिलीरोन प्लस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चिलीरोन प्लस टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इस टेबलेट में मौजूद जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें शामिल हैं फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड। चिलीरोन प्लस टेबलेट को आयरन डेफिशेंसी एनीमिया में इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी हो गई है, विटामिन B12 की कमी हो गई है, फोलिक एसिड की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इससे आपको अनीमिया हो जाता है, यानी आपकी रंगत पीली हो जाती है, आप जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, आपके पट्ठों में भी शदीद दर्द रहता है, इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अगर आप आयरन की वजह से अनीमिया का शिकार हैं तो आप चिलीरोन प्लस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुसलसल थकावट का शिकार रहते हैं, जिस्म में कमज़ोरी की वजह से नींद भी सही तरीके से नहीं आती और हाथ पांव सून हो जाते हैं, तो आप चिलीरोन प्लस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिलीरोन प्लस टेबलेट के अगर डोजेज की बात की जाए तो एक टेबलेट रोज़ाना प्रेस्क्राइब की जाती है, यानी इस्तेमाल की जाती है। चिलीरोन प्लस टेबलेट के अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो अगर आपको कोई जिगर की बीमारी है या आपको कोई गुर्दे की बीमारी है तो उस सूरत में आप चिलीरोन प्लस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। चिलीरोन प्लस टेबलेट के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इससे आपको नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है। कोई भी मेडिसन आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें।